हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सैमसंग का J7 NXT फ्लैश कर रहे हैं तो उसमें आपको चार फाइल की जरूरत पड़ेगी, जो BL, AP, CP और CSC फाइल। तो आपको चारों खानों में चारों फाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बूट करना पड़ेगा। तो आप उसके फर्मवेयर को आप firmwarefile.com या किसी और साइट से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उन चारों फाइलों को सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको फ्लैश करना है। तो इसमें क्या है, सैमसंग J7 NXT में जब आप फ्लैश कर रहे हैं तो फ्लैश आपका फेल बता रहा है। तो उसमें आपको जो वर्जन आपके सेट में हो उस वर्जन के फर्मवेयर को आप डाउनलोड करिए, उसके बाद फ्लैश करिए। तो देखिए फ्लैश कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये डिवाइस है हमारा, उस डिवाइस को वॉल्यूम डाउन, होम की और पावर की तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जब ये कमांड, जब आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा बूट वाला, ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो इसमें हमको ये देखिए इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। देखिए तो वहाँ पर आपको बोलेगा वॉल्यूम अप करिए और कंटिन्यू करिए। तो उसके बाद हम USB लगा देंगे। USB लगा के हम ओडिन में फ्लैश करेंगे। ये देखिए मैंने USB लगा दिया, ये चार्जिंग पॉइंट है, कंप्यूटर से मेरा कनेक्ट है। देखिए इस तरह से बोलेगा, तो वॉल्यूम अप करके कंटिन्यू करेंगे। जब हम कंटिन्यू करेंगे ओडिन में, ये आपका जो डिवाइस है डिटेक्ट हो जाएगा। जब डिटेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद नीचे स्टार्ट बटन होगा। जब चारों फाइल को सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट बटन हो जाएगा, तो उसको हम स्टार्ट जब करेंगे तो उसके बाद ये फ्लैश चालू होगा। तो ये मेरा स्क्रीन थोड़ा सा छोटी है लैपटॉप की, तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर ले रहा हूँ। ये देखिए स्टार्ट बटन है, मैं स्टार्ट बटन पे जब इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरा फ्लैश कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो फर्मवेयर फाइल है वो फाइल सही से मैच नहीं कर रही है। तो आपको अगर फर्मवेयर फाइल देखिए फेल दिखा रहा है, इस तरह से फेल हो जा रहा है। तो आपको अगर सही फर्मवेयर फाइल डालेंगे तभी सैमसंग J7 NXT फ्लैश होगा। तो आपका जो फर्मवेयर फाइल है थाईलैंड का या म्यांमार का फाइल लेंगे तो आपका फ्लैश हो सकता है कि सही हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों मेरे चैनल अवितेश फर्मवेयर को देखने के लिए, धन्यवाद।